मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, संत आशाराम जी बापू के आश्रम और उनके गुरुकुलों के बारे में आज कई सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, इसीलिए हमने संत आशाराम जी बापू के मुख्य आश्रम अहमदाबाद में स्थित गुरुकुल में जानने का प्रयास किया कि वहाँ की शिक्षा पद्धति कैसी है और वहाँ के बच्चों को कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं। आज हमने एक विशेष एपिसोड बनाया संत आशाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद के लिए। संत आशाराम जी बापू के गुरुकुल के बाहर हम खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग है जो कि संत आशाराम जी बापू के गुरुकुल की है। यहाँ पर बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर एडमिशन आज भी चालू हैं। बहुत से बच्चे संत आशाराम जी बापू के गुरुकुलों में अच्छे संस्कार पा रहे हैं। यहाँ पर आदि भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी उनको ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सी आधुनिक शिक्षाएं भी दी जाती हैं। कंप्यूटर साइंस की लैब भी हैं और इसके साथ साथ लाइब्रेरी भी हैं। आइए देखते हैं गुरुकुल के अंदर जाकर किस प्रकार की शिक्षाएं यहाँ के बच्चों को दी जा रही हैं और यहाँ के अध्यापक कैसे उन बच्चों को आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता का भी ज्ञान देते हैं। आज विज्ञान में भी यहाँ के बच्चे पारंगत हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 6 वर्षों से यहाँ के बच्चे 100% रिजल्ट ला रहे हैं और 97% से भी ज़्यादा उनके मार्क्स आते हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में भी यहाँ के बच्चे हमेशा अव्वल रहते हैं। आइए जानते हैं गुरुकुल के अंदर जाकर कि यहाँ की शिक्षाएं कैसी हैं और यहाँ की व्यवस्था कैसी है। संत आशाराम जी बापू का मुख्य आश्रम अहमदाबाद और वहाँ का मुख्य गुरुकुल, उसमें हम आज आपको ले जा रहे हैं। वहाँ के बच्चों से हम आपका परिचय करवाते हैं। यहाँ पर आवासीय और गैर आवासीय बच्चे रहा करते हैं। गैर आवासीय बच्चे अप डाउन करते हैं, डेली आते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। परंतु कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर नहीं जाते, परमानेंट इसी गुरुकुल में रहते हैं। यहाँ की शिक्षाओं के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान और संध्या ध्यान भजन शास्त्रीय विधि का भी पूरा पूरा लाभ लेते हैं। आइए जानते हैं इस छात्रावास को संभालने वाले शशांक भाई, जो कि यहाँ के मुख्य हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार वो बच्चों को यहाँ पर संभाल कर रखते हैं और उनकी दिनचर्या क्या क्या रहती है। शशांक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंगलमय चैनल पर। यहाँ पर कितने बच्चे टोटल रहते हैं? अपने छात्रावास में 200 बच्चे रहते हैं। आप कब से यहाँ पर हैं? 2008 दिसंबर महीना से मैं छात्रावास में गृहपति का सेवा करता हूँ। बच्चों की दिनचर्या क्या क्या रहती है, किस प्रकार बच्चों को आप यहाँ पढ़ाते हैं, कैसे उठाते हैं, नियम क्या है गुरुकुल के? बच्चे ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं, शौच स्नान करने के बाद बच्चे भूमि वंदन करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर 1 घंटा संध्या करते हैं। संध्या के समय में प्रार्थना के साथ साथ प्राणायाम करते हैं, साथ में व्यायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर जो संध्या करते हैं उसी में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक साथ साथ आध्यात्मिक का विकास होता है। शारीरिक विकास कैसे होता है कि हम यदि अच्छे से प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे, योगासन करेंगे तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा। तो शरीर मजबूत रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा। मानसिक विकास कैसे होता है, हम त्राटक करते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, त्राटक करते हैं। त्राटक करने से उनका जो मस्तिष्क, जो सेरेब्रल ग्लैंड स्ट्रांग रहता है और मेमोरी पावर बढ़ता है, तो परीक्षा में भी अच्छे नंबर आते हैं। जब बच्चे आते हैं तो उनका गांव का जो स्कूल में, कि जो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर 50% 40% मार्क रखते हैं। जब यहाँ आते हैं तो उनका 80% से ज़्यादा। इस बार भी देखो, 2006 से लेकर अभी तक हर साल हमारा 100% रिजल्ट आता है। और खेल कूद में भी, चाहे अपना तालुका स्तर पर हो, जिला स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, अपना बच्चे चाहे कबड्डी में हो, चाहे कुश्ती में हो, चाहे वॉलीबॉल में हो, चाहे हैंडबॉल में हो, सभी में अपना जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे आते हैं। पिछले 2 साल पहले अपना 1,04,000 रुपया पुरस्कार पाए थे। पिछले साल भी 50,000 रुपया पुरस्कार केवल खेल में ही पाए थे। और ज्ञान लेवल में जो प्रोग्राम होता है, साइंस कंपटीशन, साइंस एग्जीबिशन होता है, 2006 से लेकर अभी तक हर साल में तो तालुका लेवल में तो जाते हैं भाई। अभी 3 साल से पहले अपना क्या हुआ, राज्य स्तर पे भी जाता है और 3 साल से कंटिन्यू अपना नेशनल में जाता है। इस बार क्या हुआ था, गांधीनगर जिला में 5 प्रोजेक्ट सिलेक्शन हुआ था, उसी में अपने संत श्री आशाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद से केवल 2 प्रोजेक्ट राज्य स्तर में गया था और फिर अभी जो नेशनल में भी पहुंचा है, पिछले साल भी नेशनल में पहुंचा है। तो चाहे अपना देखो भौतिक साइंस में देखो, चाहे आध्यात्मिक में देखो, चाहे शारीरिक विकास में देखो, कुश्ती में भी हर साल में हमारा पहला नंबर आता है। अगर जो खेल के मंत्री होते हैं उनको पुरस्कार देते हैं। नरेंद्र मोदी जहाँ प्रोग्राम करते हैं गांधीनगर में, तो बहुत सारे गुरुकुल हो, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं,
उसी में अपने गुरुकुल के बच्चे ही पिरामिड में सिलेक्शन होते, कंटिन्यू 2 साल से वहाँ भी जाते हैं। पिछले साल बारिश का कुछ तकलीफ हुआ इसलिए वहाँ कैंसिल हुआ, नहीं तो ये हेलीपैड में जो प्रोग्राम होता है हमारे गुरुकुल के बच्चे ही वहाँ पर नंबर में आते हैं। जी हाँ, राज्य स्तर पर चाहे कहें या फिर नेशनल लेवल पर, शशांक भाई का ऐसा कहना है कि यहाँ के बच्चे हर स्तर पर आगे ही रहते हैं। यहाँ पर खेल की क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं? यहाँ पर विशाल मैदान है, उसमें हैंडबॉल होता है, रोज़ बच्चे हैंडबॉल प्रैक्टिस करते हैं, वॉलीबॉल प्रैक्टिस करते हैं, कबड्डी प्रैक्टिस करते हैं, ऊंची कूद हुआ, ये तो बाहर की खेल, आउटडोर गेम जिसको बोलते हैं। इंडोर गेम जो होता है जिसमें चेस होता है, कैरम खेल की प्रैक्टिस होता है, बैडमिंटन भी जो कि बाहर में जो हवा से खेल नहीं पाते हैं वो भी इंडोर में यहाँ अभ्यास करते हैं। तो चाहे स्केटिंग का, आजकल स्केटिंग का भी बहुत अच्छा नाम है, तो स्केटिंग में भी अपने बच्चे 50% से ज़्यादा, मतलब 60-70% सभी को स्केटिंग आता है। गुरुकुल में यहाँ पर आपकी पढ़ाई की, लाइब्रेरी की और यहाँ पर और दूसरी व्यवस्थाएँ क्या क्या हैं? जी, यहाँ पुराने गुरुकुल के संस्कार के साथ साथ अभी आधुनिक का जो कंप्यूटर का हुआ, तो आधुनिक जो वातावरण का हुआ, दोनों समन्वय करके हमारा गुरुकुल खोला गया है, जिसमें क्या है कि इनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास के साथ साथ ये आधुनिक का विकास भी उनका होता है। ऐसा नहीं कि उनको कंप्यूटर में सिखाया जाता है, कंप्यूटर में जो भी उनको कंप्यूटर का जो जितना भी नॉलेज होना चाहिए पूरा का पूरा इनको मिलता है, और साथ में इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट भी यहाँ रहता है, साथ में अपना खेल खेल का जो शारीरिक विकास का भी सिखाया जाता है। लाइब्रेरी, विशाल लाइब्रेरी भी है यहाँ पर, इन्हें बच्चे जिस समय उनको समय मिलता है वहाँ पर चाहे अपना जनरल नॉलेज हुआ, चाहे वो महापुरुष का कहानी हुआ, ऐसे बहुत कम से कम 5 से लेकर 10 हज़ार उससे ज़्यादा बहुत सारे पुस्तक रखा गया है, जिससे उनका बच्चे का मानसिक विकास होता है उसी से। और यहाँ जो संध्या वंदन करते हैं, खास करके यहाँ जो प्राणायाम और त्राटक और जप, जप जप से क्या होता है, जकार जन्म विच्छेद पकार पापनाशकम तस्मा जप इति प्रोक्तम जप पाव विनाशकम, तो जप करने से क्या होता है उनका जो मेमोरी, जो सरस्वती मंत्र जप होता है, तो क्या सरस्वती माता अपने जो उसके साथ मंत्र के साथ हमारा वैदिक परंपरा में ऐसा व्यवस्था है जो कि अपना उसका ग्लैंड का विकास होता है। आज ब्रिटेन हो या रूस, चाहे चीन हो या जापान या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो, संस्कृत के ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है। जी हाँ, संस्कृत भाषा नासा में भी आज मान्य हो गई है। नासा के लोग मानते हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत का ज्ञान भी संत आशाराम जी बापू के गुरुकुलों में दिया जाता है। इसके साथ साथ पुरानी वैदिक पद्धतियों की, आयुर्वेदिक पद्धतियों से स्वस्थ रहना, योग आसन और प्राणायाम की शिक्षाएँ भी दी जाती हैं। यहाँ पर आधुनिकता के साथ साथ उनको वैदिक परंपरा का भी ज्ञान दिया जाता है। इंग्लिश माध्यम में जहाँ आजकल माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, परंतु संत आशाराम जी बापू के गुरुकुलों में इंग्लिश मीडियम के साथ साथ इंग्लिश की शिक्षा के साथ साथ उनको वैदिक शिक्षाएं भी दी जाती हैं। यहाँ गुजराती माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों प्रकार के बच्चे रहते हैं। गुजराती और हिंदी दोनों वर्ग के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर बच्चों को कैसा लगता है, हम बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं, कैसा लगता है आपको गुरुकुल में? हमें यहाँ गुरुकुल में अच्छा लगता है, यहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है, यहाँ रहने कहने की भी अच्छी होती है। कितने साल हो गए आपको? हमको इधर 3 साल हुए। क्या नाम आपका? प्रतीक है। प्रतीक, आपको अच्छा लगता है गुरुकुल में? अच्छा लगता है। अच्छा, आपसे जानते हैं, आपका नाम क्या है? नीरज। नीरज, आपको गुरुकुल में कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा लगता है। कितने आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 5वीं से। 5वीं क्लास से यहाँ पढ़ रहे हैं। अभी कौन सी क्लास में हैं आप? 10वीं। खेल कूद में अच्छा लगता है, पढ़ाई लिखाई अच्छा लगता है, कैसा क्या क्या अच्छा लगता है? खेल कूद, पढ़ाई, संध्या वंदन, हमें यहाँ जो भी नियम होते हैं सब अच्छे लगते हैं। सब अच्छे लगते हैं। आपको किसी प्रेशर में तो नहीं रखा जाता? नहीं। कोई डांटते हैं मारते हैं ऐसा कुछ नहीं? नहीं। हर प्रकार से यहाँ पर प्रेम और स्नेह बच्चों को दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को आनंद और खुशी के साथ यहाँ रखा जाता है। आपसे जानते हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12वीं क्लास में हूँ। 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। क्या नाम आपका? गौरव तिवारी। गौरव तिवारी, आपको कैसा लगता है यहाँ पे गुरुकुल में? बहुत अच्छा लगता है। कितने साल हो गए? मेरे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल से आप इसी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं? जी हाँ। तो आपने 11वीं यहीं किया, 12वीं भी यहीं? हाँ। और भी बहुत से बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। अभी गुरुकुल की छुट्टियाँ चल रही हैं, उसके बावजूद भी ये बच्चों ने अपने घर में जाने की बजाय आश्रम में रहकर ध्यान भजन करना और इस गुरुकुल के वातावरण में ही रहना पसंद किया है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनसे हम मिलकर यहाँ पर जानेंगे कि ये लोग अपने जीवन की दिनचर्याओं को कैसे बिताते हैं। आप सुबह से क्या क्या नियम रहते हैं आपके? हमारे सुबह से हम सुबह उठते ही कर दर्शन करते हैं, उसके बाद हम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं मन ही मन, और हमारे पूज्य गुरुदेव को भी हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम भूमि वंदन करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हमारे दिन की शुरुआत हम स्वच्छ स्नान के बाद हम सभी स्वच्छ वस्त्र पहन के संध्या करने बैठ जाते हैं।
संध्या करने के पश्चात हम सभी सूर्य को अर्घ देते हैं। उसके बाद हम सभी अपने पढ़ाई में लग जाते हैं। फिर गुरुकुल की दिनचर्या काफ़ी अच्छी है, पर आपको यहाँ पर कितना समय हो गया? मुझे यहाँ पर आए 3 साल हो गए। 3 साल में आपको यहाँ गुरुकुल में अच्छा लगता है या इससे पहले जो स्कूलों में पढ़ते थे वहाँ पर अच्छा लगता था? मुझे तो यहीं पर अच्छा लगता है। बाहर के स्कूल में जो नहीं मिलता वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर यहाँ का स्वच्छ वातावरण हमें स्वस्थ व हमें हृष्ट पुष्ट रखता है। यहाँ पे रहते हुए मेरी बहुत सारी उन्नति हुई है, जिसका तो मैं वर्णन कर नहीं सकता अपने शब्दों से। आज जहाँ बच्चे खेल कूद टीवी तथा सीरियलों में ही अपना जीवन बिता रहे हैं, जहाँ बच्चे अपने माँ बाप का आदर करना भूलते जा रहे हैं, वहीं ऐसे गौरव जैसे तथा तांशु जैसे और कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर रहते हैं और अपने माँ बाप का आदर करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं तथा सुबह से ही प्रातः वंदना, वैदिक ज्ञान, वैदिक शास्त्रों का, मंत्रों का उच्चारण, उसके साथ साथ अपने स्कूल की शिक्षाएँ भी पाते हैं। इनकी आधुनिकतम शिक्षाएँ इनको यहाँ पर दी जाती हैं। यहाँ लाइब्रेरी की तथा कई साइंस की लैब और कंप्यूटर की भी व्यवस्थाएँ हैं। आइए देखते हैं अंदर गुरुकुल के कुछ और भाग। उत्तम शिक्षा, श्रेष्ठ संस्कार, आइए गुरुकुल के द्वार। जी हाँ, किसी भी चीज़ का मूल तो शिक्षा ही होता है, चाहे आधुनिक ज्ञान हो या फिर वैदिक ज्ञान। आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की आवश्यकता तो होती ही है। आज हम गुरुकुल की लाइब्रेरी में आए हैं, जहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षाएँ तथा उत्तम पुस्तकें भी दी जाती हैं पढ़ने के लिए। आइए वहाँ के कुछ अध्यापकों के भी अनुभव जानते हैं कि किस प्रकार के संस्कार और किस प्रकार की शिक्षाएं आज बच्चों को गुरुकुलों में दी जा रही हैं। आज हम गुरुकुल के उन अध्यापक के पास हैं जो गुरुकुल की 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हम जानते हैं किस प्रकार की शिक्षाएँ आज गुरुकुलों में दी जा रही हैं। हरिओम, मैं निकुंज रावल हूँ। मैं यहाँ पर 5 सालों से 11th-12th साइंस में केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। यहाँ की खासियत ये है कि हम इनको केमिस्ट्री तो पढ़ाते ही हैं, साथ में इनको जो आध्यात्मिक शिक्षा की ज़रूरत होती है वो भी हम इनको प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात कि ये 11th-12th साइंस बोर्ड के एग्ज़ाम्स के सिवा इनको JEE की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है उसकी ट्रेनिंग भी स्पेशली दी जाती है। तो यहाँ पर बोर्ड के एग्ज़ाम्स के सिवा आध्यात्मिक जो टीचिंग होती है वो, और साथ में जो JEE और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है उनकी भी उच्च शिक्षा का ट्रेनिंग दिया जाता है। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? मैं पिछले 4 साल से ज़्यादा के समय से यहाँ से यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ और यहाँ पे रिजल्ट 100% आता है। इस बार हमारे 2 बच्चों का JEE एडवांस के लिए क्वालिफिकेशन हुआ है। उनके केमिस्ट्री में 3rd सेम में मार्क्स थे 96 और रवि प्रजापति जो है उसके केमिस्ट्री में 3rd सेम में 96 थे और 4th सेम में उसके 90 थे। और दूसरा जय पटेल करके था, उसका भी 90+ मार्क्स था दोनों सेमेस्टर्स में, 3rd और 4th दोनों सेमेस्टर में। आप पहले भी कई स्कूलों में पढ़ा चुके हैं, तो आपको यहाँ गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों में और दूसरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में कुछ अंतर लगता है? यहाँ की स्पेशलिटी क्या है कि बच्चों का यहाँ पे हॉस्टल में स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि उनका माइंड कंसंट्रेटेड रहे, यानी कि उनका जो स्टडी ओरिएंटेड गोल होना चाहिए वो यहाँ पे एक स्पेशली ध्यान रखा जाता है। और दूसरा कि आध्यात्मिक शिक्षा की उनको उन्नति भी दी जाती है, उनको शिक्षा भी दी जाती है। तो ये क्या है कि वो जब भी हम यहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं और बाहर के बच्चों को पढ़ाते हैं, एक स्पेशल डिफरेंस देखा जा सकता है कि यहाँ के बच्चे जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं और बाद में वो ग्रास्प करने के बाद अगर हम दूसरे दिन हमें उनको क्वेश्चन पूछते हैं टॉपिक से रिलेटेड तो हमें एकदम परफेक्ट आंसर मिलता है। तो यानी कि हमें ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि यहाँ के बच्चों का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से उनका ग्रासपिंग पावर एकदम शार्प है और वो आगे जाके सारे जो फील्ड से अलग अलग उनमें वो अपना नाम रोशन करते हैं और साथ में गुरुकुल का भी नाम रोशन करते हैं। जैसे कि यहाँ के बच्चे सिर्फ ये जो शिक्षा है वही नहीं पाते हैं, वो स्पोर्ट्स में भी आगे होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आगे होते हैं, तो उनका सर्वांगीण विकास यहाँ पे देखा जा सकता है। तो ये यहाँ की एक स्पेशलिटी है कि बच्चे एकदम कंसंट्रेटेड होते हैं, एक कंसंट्रेटेड बीम की तरह, लेजर बीम की तरह, कि जो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्पेशल उसको टारगेट करते हैं और बाद में परफेक्ट रिजल्ट वो हमें ला के देते हैं। यही कारण है कि सन 2006 से लेकर 2008 तक अभी बच्चे यहाँ पर टॉप में रहे हैं। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू के आश्रम में रहने वाले बच्चों को खाली
पढ़ाई की शिक्षाएं नहीं दी जाती, इसके साथ उनकी ग्रेसिपी पावर कैसे बढ़े, उनकी याद शक्ति मेमोरी पावर कैसे बढ़े, ये भी शिक्षाएं उनको योग आसन प्राणायाम के द्वारा दी जाती है। जिस प्रकार आपने देखा, यहाँ के अध्यापक ने बताया कि दूसरे स्कूलों की अपेक्षा यहाँ के बच्चों के ग्रेसिपी पावर काफ़ी तेज है और उनके माइंड काफ़ी शार्प हैं। आज भले ही संत आशाराम जी बापू के आश्रम और उनके बारे में कितनी ही झूठी अफवाहें क्यों ना फैलाई जा रही हों, उनको बदनाम करने का कितना ही प्रयास क्यों ना हो रहा हो, फिर भी संत आशाराम जी बापू के गुरुकुलों में तो एडमिशन करवाने के लिए अनेकों माता पिता आ ही रहे हैं। बहुत से अभिभावक हैं जो आज भी संत आशाराम जी बापू के गुरुकुलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि संत आशाराम जी बापू के गुरुकुलों में अच्छी शिक्षाएं, श्रेष्ठ संस्कार दिए जाते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं में से कुछ माता पिता के अनुभव। आप कहाँ से हैं और कैसा आपको लगता है गुरुकुल में, आपको कैसे लगा कि हमको अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए? मैं उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव से, उन्नाव का रहने वाला हूँ, और मैंने जो है 10-12 वर्ष पहले पूज्य बापू जी से मंत्र दीक्षा ली थी, और उसके बाद मैं बराबर कई बार आश्रम में आया और यहाँ कई कई दिन तक रहा। यहाँ मैंने अनुष्ठान किया, सेवा की, और यहाँ सभी भाइयों को जो आश्रम में रहते हैं, जो समर्पित हैं, उनके बीच भी रहा। और उसके बाद मेरे बच्चे जब हुए तो मैंने बाहर भी बच्चों को अपने पढ़ाया, लेकिन जब यहाँ गुरुकुल की शुरुआत हुई 2006 से, तो फिर मेरे मन में आया कि यहाँ जो शिक्षा और जो संस्कार दिए जाते हैं वो मैं भी अपने बच्चों को दिलाऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही उच्च संस्कार दिए जाते हैं जो हमारे वैदिक और आधुनिक शिक्षा पद्धति से बिल्कुल समन्वय करके दिए जाते हैं, और बच्चों को संयम, सदाचार, और उनको सत्य बोलना और सही रास्ते पर चलना, ये सब सिखाया जाता है, और बच्चों को विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, व्यायाम सिखाए जाते हैं, और उनको हर तरह की शिक्षाएं यहाँ दी जाती हैं। जो पहले हमारे प्राचीन ऋषियों के गुरुकुलों में जो शिक्षाएं दी जाती हैं, आज वही शिक्षाएं हमारे पूज्य बापू जी के गुरुकुलों में दी जाती हैं। क्योंकि हम लोग काफ़ी, मतलब मेरा भी स्वभाव रहा है, मैं थोड़ा धर्म से भी जुड़ा रहा हूँ, और मैंने अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी किया है, और इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से इधर आकर्षित हुआ, और मैंने निर्णय लिया कि अपने बच्चे को हम गुरुकुल में ज़रूर पढ़ाएंगे। आज कितने ही झूठे इल्ज़ाम आसाराम जी बापू पर लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने ऐसा कैसे निर्णय लिया कि हम गुरुकुल में ही अपने बच्चों को पढ़ाएँ? हम लोगों ने इसलिए निर्णय लिया, और रही बात इल्ज़ाम की, तो हम लोग तो आँखों देख रहे हैं, सत्य हम लोगों ने आँखों से देखा है कि जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल असत्य हैं, वो बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं है। और हम लोग बहुत ही करीब से हमने यहाँ देखा है कि कोई इस तरह की बातें यहाँ नहीं होती हैं, और बापू जी का जो, बापू जी ने करोड़ों युवाओं की और करोड़ों बच्चों को उन्होंने चरित्र की शिक्षा दी है, उनका जीवन उन्होंने सुधारा है, उनके जीवन से तमाम प्रकार की बुराइयों को उन्होंने दूर किया है, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि इतने महान और इतने बड़े संत ऐसा कर सकते हैं? ये कतई ऐसा हम लोग विश्वास कर ही नहीं सकते हैं। और बापू जी ने जो है यहाँ हमारे देश में पाश्चात्य जो सभ्यता की, यहाँ भी तमाम प्रकार की बुराइयाँ फैल रही थी, लोग, बच्चे जो है वैलेंटाइन डे वगैरह मना रहे थे, तो कई संगठनों ने यहाँ विरोध किया, लेकिन वो रुक नहीं रहा था, ये दुष्प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी, लेकिन बापू जी ने यहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू कराया, और वो मातृ पितृ पूजन दिवस का इतना प्रभाव हुआ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं आज अपने माता पिता का पूजन करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं,
इससे बढ़कर क्या है माता पिता के लिए। तो शिक्षा वही है जो संयम सदाचार और जिससे चरित्र ऊंचा हो, और ऐसी शिक्षा देकर बापूजी तो हम लोगों पर एक प्रकार से उनका बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने आज इस हम लोगों की आने वाली पीढ़ी को उन्होंने बचा लिया। ऐसी मतलब ये जो पश्चिम की जो सभ्यता यहाँ आ रही है भारतवर्ष में, और घर घर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी परिस्थितियों में बापूजी ने हम लोगों को बचा लिया है उस दुष्प्रवृत्ति से। तो हम लोगों ने जो है इसीलिए निर्णय लिया कि हम लोग अपने बच्चों को यहीं गुरुकुल में पढ़ाएंगे, और जिससे हमारा तथा बच्चे जहाँ भी हमारे रहें, हमारे अंदर ये नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी ही करें, हमारे बच्चे रहें एक अच्छे नागरिक बने और देश की सेवा करें और देश समाज की सेवा करें, सबकी भलाई करें, तो उसमें सबकी भलाई है। आधुनिक पढ़ाई ही आवश्यक नहीं है, उसके साथ बच्चों के अंदर संस्कार भी होने चाहिए। डॉक्टर हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यदि वो बड़े होकर इन अपनी शिक्षाओं का आतंकवाद में देश को तोड़ने में उपयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। इसीलिए अच्छे संस्कारों की भी आवश्यकता है। संत आशाराम जी बापू के गुरुकुलों में माता पिता का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, देशभक्ति तथा शास्त्र में दी गई बातों को सिखाया जाता है। इसीलिए संत आशाराम जी बापू के गुरुकुल के संस्कारों से संस्कारित करने के लिए अनेकों माँ बाप अपने बच्चों को आज भी गुरुकुलों में भर्ती करा रहे हैं। मेरा नाम बनारसीलाल वर्मा है, मैं गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं बापू जी से 1999 में दीक्षा लिया था दिल्ली रोहिणी में, तब से लगातार लगभग 50 बार हम आ जा चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ का वातावरण हमको ज़्यादा अच्छा लगा, और हमारा बच्चा भी जो है बापू जी का प्रोग्राम देखता सत्संग में आया है, तभी से कह रहा था कि मैं जो है बापू जी के स्कूल में पढ़ूंगा। तो मैं पिछले साल से ही बार बार ट्राई कर रहा हूँ कि नाम लिख जाए, लेकिन अब की बार जो है बापू जी ने सुन लिया और हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया। और अब चलते हैं संत श्री आशाराम जी बापू इस गुरुकुल के मुख्य संचालक श्री पंकज भाई से मिलने, जो कि इस गुरुकुल के मेन प्रबंधन संभालते हैं। यहाँ के गुरुकुल का सारा मैनेजमेंट वही देखते हैं और यहाँ के बहुत से बच्चों को भी वही संभालते हैं। गुरुकुल में आने वाले हर व्यक्ति पंकज भाई से जरूर मिलते हैं। पंकज भाई, आपका स्वागत है मंगलमय चैनल पे। आप गुरुकुल में काफ़ी समय से रह रहे हैं और संत आशाराम जी बापू के इस गुरुकुल को आप काफ़ी समय से संभाल रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि इस गुरुकुलों में बापू जी के कारावास में जाने का क्या इफेक्ट पड़ा है। एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव जी को बदनाम करने के लिए सामान्य जनमानस की जो उनके प्रति अटूट श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, समर्पण है, उसको कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सुनियोजित षड्यंत्र है। इसका कोई विशेष असर हुआ नहीं है, लेकिन और उनकी जो षड्यंत्र की जो पीछे जो उनका उद्देश्य था वो उद्देश्य भी सफल हुआ नहीं है और उद्देश्य सफल होगा भी नहीं। और ये साजिश जो हुई है उस साजिश का बहुत शीघ्र ही पर्दाफाश होगा और हमारे पूज्य गुरुदेव फिर से हमारे समक्ष होंगे, हमको दर्शन देंगे, हमको मार्गदर्शन देंगे और हमारे पर कृपा बरसाएंगे। और भक्त लोग जो बड़े इतने 9-9 महीने हो गए हैं जमानत तक नहीं दे रहे हैं, और भक्तों के संकल्प हैं, उनके आंसू हैं, उनका रुदन है, और वो शीघ्र ही बापू जी को हमारे समक्ष लाएगा और भक्तों की कामनाएं पूर्ण होंगी। अच्छा, गुरुकुल में एडमिशन का क्या प्रावधान है? यहाँ पर बच्चों को यदि एडमिशन करवाते हैं तो उनको क्या क्या शिक्षाएं हैं और क्या क्या उनको आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ लौकिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा और जीवन कैसे जिया जाए वैदिक परम्परा के अनुसार वो यहाँ पर सिखाया जाता है, उसके संस्कार दिए जाते हैं और लौकिक शिक्षा भी अच्छे तरीके से दी जाती है। यहाँ के सभी शिक्षक निष्णात हैं, विषय अनुसार शिक्षक हैं और बहुत सुंदर सुहावना माहौल है यहाँ, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उनके शिक्षक भी उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं। और हमारा हर वर्ष पिछले 6 सालों से जब से बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हुई है 100% रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, और इस वर्ष भी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में
दोनों में 100% परिणाम प्राप्त हुआ है और 10वीं के 50% बच्चे, मतलब आधे बच्चे ऐसे हैं जो विशेष योग्यता जिन्होंने अर्जित की है, अर्थात जिनके 75% से अधिक अंक आए हैं, ऐसे आधे बच्चे हैं। और 96% बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी हासिल की है। तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, चाहे पढ़ाई में हो, खेलकूद में हो, विज्ञान में हो, कंप्यूटर में हो, और यहाँ हर तरीके की सुविधाएं हैं। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान की अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, ग्रंथालय है, कंप्यूटर का बहुत बड़ा कक्ष है, प्रयोगशाला है, जिसमें प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाता है और हर विषय के योग्य, अनुभवी और अच्छे प्रेमपूर्ण व्यवहार करने वाले शिक्षक हमारे पास हैं। और प्रवेश अभी भी चालू है और नए बच्चे आ रहे हैं, उनके माता पिता आ रहे हैं, इंक्वायरी चालू है, प्रवेश चालू है, प्रवेश परीक्षाएं चालू हैं। और 9 जून से गुजरात सरकार के अनुसार हमारे यहाँ भी नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो जाएगा। हिंदी माध्यम के साथ साथ गुजराती माध्यम के भी बहुत से छात्र अहमदाबाद गुरुकुल में पढ़ते हैं। आइए जानते हैं 12वीं साइंस में पढ़ रहे भौतिक नामक विद्यार्थी से, जो कि आज भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी ज्ञान ले रहे हैं। आपको कैसा लगता है गुरुकुल में? गुरुकुल में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुकुल में बधा बाळकों में सारा संस्कार छे, मने तेनी साथे रहेवू गमे छे। हूँ आजथी 5-6 धोरण थी हूँ 12મા ધોરણ સુધી બાપુજીના ગુરુકુલમાં જ ભણું છું। પહેલાં હું 5 વર્ષ રાજકોટ ગુરુકુલમાં અભ્યાસ કર્યો છે, ત્યારબાદ હવે હું 12મા ધોરણમાં હું અભ્યાસ કરું છું। 11મા ધોરણથી હું અમદાવાદ ગુરુકુલમાં આવ્યો છું અને બધા ગુરુકુલમાં મારા પપ્પાનો જે સંકલ્પ હતો કે મને ગુરુકુલમાં મૂકવાનો, તે મને ગુરુકુલમાં મૂકીને એ સંકલ્પ પૂરો કરશે। અત્યારે હું 12મા ધોરણમાં અમદાવાદ ગુરુકુલમાં ભણું છું અને મને અહીંયા બધા બાળકો સાથે સારું રહેવું ગમે છે અને પહેલાં હું ભણવામાં પણ સાવ થોટ હતો અને બાપુજીની મંત્ર દીક્ષાથી મને ઘણા ફાયદા થયા છે, તેને લીધે આ ગુરુકુલમાં મારા માતા પિતાએ મને મૂક્યો છે। કેટલે સાલ હો ગયે આપકો ગુરુકુલ મેં? અભી ગુરુકુલમાં મને, હું અત્યારે ભણું છું તેના 7 વર્ષ થયા છે અને ગુરુકુલમાં મને બધા શિક્ષકોથી સારો સહયોગ મળી રહ્યો છે અને ગુરુકુલમાં મને બધા સબ્જેક્ટમાં રસ આવે છે, એવું બહુ મજા આવે છે। ગુરુકુલ મેં પઢને કા અપના આનંદ હી કુછ ઓર હૈ, ચાહે છોટે છોટે બચ્ચે હો યા બડે ક્લાસ કે, સબ બચ્ચો કો ગુરુકુલ મેં પઢને કા આનંદ આતા હૈ। જી હા, બચ્ચો કે બીચ મેં લાઇબ્રેરી મેં તથા ખેલકૂદ મેં યા ફિર કોઈ ઓર ભી વિભાગ હો, યહાં કે ગુરુકુલ મેં સબ બચ્ચો કો અચ્છે સંસ્કાર ઓર આપસ મેં પ્રેમ ઓર સૌહાર્દ કે સાથ રહેના સિખાયા જાતા હૈ। બચ્ચો કી ઉન્નતિ કે લીએ બાપુજી સારસ્વતી મંત્ર કી દીક્ષા દેતે હૈ, જિસસે બચ્ચો કો આધ્યાત્મિકતા કે સાથ સાથ બૌદ્ધિક લાભ ભી હોતે હૈ। उनकी याद शक्ति गजब की परिवर्तित होती है, उनके अंदर ग्रेसिपी पावर बढ़ता है और पढ़ाई में भी अच्छे मार्क लाते हैं। मंत्र दीक्षा से क्या क्या लाभ होते हैं ये भी हम जानते हैं गुजराती माध्यम के इन बालकों से। पहला हूँ जयरे 12वीं स्कूल में 1-4 धोरण भणत हो तरह मारा 60-70% जाऊँ था, तरह हूँ गुरुकुल में आवा थी मारी एकाग्रता त्राटक ने कारण मारे 80 मे, पी 10मा में मारे एक बार PR 97 आया था, તેની રીતે હું અમદાવાદ ગુરુકુલમાં આવ્યો, ત્યાં પણ મને સારું શિક્ષણને કારણે ત્યાં પણ હું આગળ છું। સારસ્વતી મંત્ર કી દીક્ષા ઓર માં સરસ્વતી કી આરાધના બહુત હી લાભ પ્રદાન કરતી હૈ। સંત આશારામજી બાપુ અક્સર અપને સત્સંગોમાં છોટે છોટે બાળકો કો સરસ્વતી મંત્ર કી દીક્ષા દેતે હૈ ઓર સરસ્વતી ઉપાસના કી શાસ્ત્રીય વિધિ ભી બતાતે હૈ, ઇસીલીએ યહાં કે બચ્ચો કે અંદર ગ્રેસિપી પાવર જ્યાદા હૈ ઓર યહાં કે ટીચર્સ ભી જાનતે હૈ કે કિસ પ્રકાર યહાં કે બચ્ચે છોટી સી બાત કો ભી અચ્છે સે યાદ કર પાતે હૈ ઓર पढ़ाई में अच्छे मार्क लाते हैं। यही कारण है कि 2006 से लेकर 2008 तक आज भी संत आशाराम जी बापू के गुरुकुल में 100% रिजल्ट आ रहे हैं और संत आशाराम जी बापू के गुरुकुल के बच्चों के 97% टाइल तथा 99% भी कई बार आए हैं।